कुछ लोग सर्दियों के दिनों में खूब बादाम खाते हैं। आइसक्रीम, खीर, हलवा और मिठाइयों में भी बादाम का आपने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने कड़वे बादाम खाए हैं या उनके बारे में सुना है? कड़वा बादाम आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा। आज हम आपको बताएंगे कि ये कड़वा बादाम किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। कड़वा बादाम को स्काई फ्रूट या शुगर बादाम भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये बादाम कड़वा है तो उसे शुगर बादाम क्यों कहा जाता है? इसकी वजह ये है कि ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज है वह इसका सेवन कर सकते हैं। वहीं कहा यह भी जाता है कि जिन लोगों का शुगर लेवल 200 के पार पहुंच जाता है उन लोगों का शुगर लेवल भी मेंटेन कर देता है। इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। जो कड़वा बादाम होते हैं, जैसे इसको हम स्काई फ्रूट भी बोलते हैं या शुगर बादाम भी बोला जाता है इसको, और इसको सोपेनिन बोला जाता है। सोपेनिन तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर होता है उसको ये लो करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करता है शुगर बादाम, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है ये। और जैसे स्किन डिजीजेज होती है तो उसमें उसको भी क्योर करने का काम करता है। जैसे इसमें होता है विटामिन होता है, फैट्स होता है, मिनरल्स होता है, नेचुरल प्रोटीन होता है, इसमें फॉलिक और फैटी एसिड्स होते हैं, इससे ये भरपूर होता है। मेनली ये डायबिटीज़ को क्योर करता है। जैसे शुगर बादाम को हम तोड़ के ले सकते हैं, ये इसको पानी में भिगा के तो उसको पी सकते हैं, उसका पानी भी पी सकते हैं, रात को भिगा के सुबह खाली पेट भी इसका पानी हम ले सकते हैं, या फोड़ के उसको खा सकते हैं शुगर बादाम को, तो ये डायबिटीज़ को क्योर करता है। शुगर बादाम जो होता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल ये कम करता है, जैसे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को ही कम कर देता है बॉडी में ना, टोटल कोलेस्ट्रॉल ही कम कर देता है। जैसे इंसोमिया होता है, जिसको नींद की परेशानी होती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है शुगर बादाम का सेवन करना। ये बेटर होता है, टेस्ट में थोड़ा कड़वा होता है ये। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।